हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभा। दीक्षांत हाईटेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो आज हिंदी में टू क्लास के लिए मैं लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण। तो हिंदी में हम क्या पढ़ने जाएंगे आज? आज हम हिंदी में पढ़ेंगे उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका उल्टा अर्थ होता है। उल्टा अर्थ यानी क्या? जैसे कि रात का दिन, सुबह शाम। विलोम यानी उल्टे जिसके अर्थ हो, ठीक है। अंधेरा उजाला, बड़ा छोटा, मोटा पतला। तो ये क्या है? विलोम शब्द है, यानी जिनके अर्थ क्या होते हैं? एक दूसरे से उल्टे होते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में ही हम इसमें पढ़ेंगे, इस वीडियो में देखेंगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे शब्द हम सीखने जा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो शुरू करते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द क्या है, देखते हैं कुछ चित्र की सहायता से। पहले देखते हैं और सीखना समझते हैं, ठीक ना। क्या है? अंदर और बाहर। ये तोता क्या है? पिंजरे के अंदर है। और उसका उल्टा क्या हो गया? यहाँ जो तोता है वो कहाँ है? उसके बाहर है। अंदर बाहर, अंदर बाहर। फिर क्या है? अच्छा और बुरा। एक बच्चा है जो अच्छे काम कर रहा है, मोमबत्तियां जला रहा है, ठीक है। दूसरा बच्चा है जो गलत काम कर रहा है। तो अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। फिर क्या है? दिन रात। दिन में क्या होता है? उजाला। और रात में क्या होता है? अंधेरा। तो ये भी एक हो गए विलोम शब्द, उजाला अंधेरा। दिन रात, दिन रात, रात दिन। ऐसा नहीं कि दिन रहेगा तो ही रात होगा, रात रहेगा तो भी क्या होगा? उसका दिन ही रहेगा। बुरा रहेगा तो अच्छा, अच्छा बुरा, बुरा अच्छा। एक दूसरे के उल्टे अर्थ हो, इधर से बोले तो या इधर से बोले तो अर्थ उल्टे ही निकलने चाहिए। फिर क्या है? लड़का तो लड़की, लड़का लड़की। नया पुराना, नया जो अभी तुरंत आया है आपके पास, तुरंत खरीद के आया है, मार्केट से आया हो या जो भी हो, कहीं से आ गया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, तो वो क्या होती है? चीज आपकी नई होती है। और नई चीज क्या होती है? सबकी प्यारी होती है। सभी बच्चों को तो बस नए नए खिलौने, नए नए ड्रेसेस चाहिए, है ना। और पुराने खिलौने और पुराने ड्रेस में तो किसी को कोई मजा नहीं है ना? तो नया पुराना तो आप लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब आप नए स्कूल में जाते हैं तो कितना मजा आता है ना। नए स्कूल में जाना कितने मजेदार होता है। और जब आप पुराने कॉपी बुक्स लेके जाते हैं तो थोड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि नई स्कूल है तो नए कॉपी बुक्स भी चाहिए, ठीक ना। और नई कॉपी बुक्स बैग होते हैं तो कितनी ज्यादा खुशी मिलती है। नए ड्रेस होते हैं तो नया पुराना। फिर क्या है? मोटा पतला, मोटा और पतला। ना ही ज्यादा मोटा होना अच्छा होता है और ना ही ज्यादा पतला होना अच्छा होता है। तो मोटा पतला ये भी उसके उल्टे हो गए, पतला मोटा। पुराना नया, लड़की लड़का, ठीक है। तो ये भी कुछ शब्द हम लोगों ने देखा। आगे कुछ और शब्द देखते हैं। अब क्या है? कुछ महसूस करने वाले शब्द, कुछ काम करने वाले शब्द, ये भी उल्टे होते एक दूसरे के। जैसे क्या है? रोना, रोना यानी जब हम दुखी होते हैं, जब हमें पिटाई लगती है, जब हमारी कुछ अच्छी चीज हमें नहीं मिलती है तो क्या करते हो आप बच्चों? रोने लगते हो। लेकिन जैसे ही वो चीज आपकी मिल जाती है तो आप क्या करते हो? खुश हो जाते हो, हंसने लगते हो, है ना। तो रोना हंसना, रोए कब? जब आप दुखी थे तो। और हंसे कब? जब आप सुख में हो गए, जब मतलब जब आपको वो चीज मिल गई। तो इससे चार शब्द बने ना, रोना हंसना
दुखी सुखी, ये भी हो सकता है, रोना हंसना हंसना रोना। जैसे क्या होता है, बच्चे जब बहुत खुश होते हैं तो बहुत हंसते हैं, है ना, बहुत हंसते हैं, दौड़ा दौड़ी खेल कूद भाग दौड़ करते हैं, और इसी खुशी में यदि उनका पैर स्लिप कर गया या कहीं ठोकर लग गया तो वो गिर जाते हैं और फिर तुरंत क्या होता है, रोने लगते हैं, सारी खुशी खत्म हो जाती है, रोने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आपको उठाकर प्यार करता है, आपको दवा लगा देता है, फिर आप खुश हो जाते हो। स्कूल में आपकी मैम आपको उठा लेती हैं, प्यार से आपको समझाती हैं, आपके आंसू पोंछती हैं और उस पे दवा लगा देती हैं, तो फिर आप खुश हो जाते हो, है ना बच्चों? हाँ, मैम भी बहुत ध्यान रखती है ना आपकी, हाँ, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। यानी रोना हंसना हंसना रोना, दोनों काम एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर क्या है, छोटा और बड़ा, क्या दिया हुआ है, चींटी। चींटी कैसी होती है, इतनी छोटी सी। और ये क्या है, हाथी, सबसे बड़ा जानवर, सबसे विशाल जानवर क्या है, हाथी। चींटी इतनी छोटी सी और हाथी बड़ा, तो छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। जैसे आप बच्चे क्या हो, घर में छोटे हो, आपके दादाजी क्या कौन है, आपके घर में सबसे बड़े हैं, तो छोटा बड़ा वैसे भी हो सकता है। फिर क्या है, देख रहे हैं चित्र में क्या है, गर्मी का मौसम, गर्मी। अभी हम लोग जो झेल रहे थे गर्मी, ठीक ना, लाइट चले गई, पसीना, बहुत गर्मी, सभी परेशान, गर्मी। तो गर्मी की का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सर्दी। गर्मी का क्या हो जाएगा, सर्दी, गर्मी सर्दी। फिर क्या है, ठंडा गर्म, क्या हो गया, आइसक्रीम क्या होती है, ठंडी ठंडी होती है, आइसक्रीम क्या होती है, ठंडी ठंडी होती है। लेकिन दूध क्या होती है, चाय क्या होती है, चाय कॉफी जो आपकी मम्मी पापा पीते हैं वो कैसी होती है, गर्म होती है, ठीक ना। इसलिए आप बच्चों को चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, वो आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। आप बच्चों को क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, ठीक ना, दूध बच्चों के लिए फायदेमंद होता है। तो बच्चे क्या पिएंगे, दूध, ठंडा गर्म, ठंडी आइसक्रीम क्या हो गई, आइसक्रीम क्या होती है, ठंडी होती है, और चाय क्या होती है, गर्म होती है। तो ठंडा गर्म, गर्म ठंडा, ठीक है। फिर क्या है, दिन रात, ये तो हमने अभी देखा। दिन में क्या होता है, दिन कब होता है, जब सूरज निकलते हैं तो क्या होता है, दिन होता है। लेकिन जैसे ही जब सूरज डूब जाता है, अस्त हो जाता है, ढल जाता है, यानी छुप जाता है, तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, और क्या होता है, रात हो जाता है। और जब रात होता है तो हमें क्या दिखता है आसमान में, हमें तारे दिखते हैं, हमें चांद दिखता है ना। तो दिन और रात, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम एक पीस है, कम है, और पूरा तरबूज है, तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कोई भी चीज होता है, कभी आपको कम मिल जाती है तो आप क्या करते हो, रोने लगते हो, और जब आपको वो चीज आपके भाई से आपकी बहन से ज्यादा मिल जाता है तो आप खुश हो जाते हो। तो कम ज्यादा, ज्यादा कम, विलोम शब्द। अब कुछ और विलोम शब्द हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्या है, बड़ा छोटा, मोटा पतला, अंदर बाहर, अच्छा खराब, पाप पुण्य। एक बार फिर पढ़िए, बड़ा छोटा, मोटा पतला, अंदर बाहर, अच्छा खराब, पाप पुण्य। फिर क्या है, अपना पराया, अपना पराया, पराया नहीं दूसरों का, अपना या हमारा, ये तो सब समझते ही हैं, अपना पराया, सुख दुख,
अभी मैंने बोला था ना, सुख जब दुखी हो जाते हैं बच्चे कब, जब उनसे कोई उनकी जो प्यारी चीज होती है वो कोई ले लेता है या उन्हें जो चीज चाहिए नहीं मिलती, तो बच्चे दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन जैसे ही जब उनको वो चीज, वो वस्तु, पेंसिल, कॉपी, ड्रेस, जो भी चाहिए, खिलौने मिल जाती है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो क्या हो गया, सुख दुख, अमीर गरीब, सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी, गर्मी सर्दी, ज्यादा कम, कम ज्यादा। कुछ विलोम शब्दों को ध्यान से पढ़िए, ठीक ना। क्या क्या विलोम शब्द हैं? दो यहाँ पर देख रहे हैं आप, बनाए हुए हैं बॉक्स और उसमें विलोम शब्द हैं, इनको देखना है, पढ़ना है, दिया हुआ है, पढ़ना है विलोम शब्द। जैसे क्या है, सत्य, सत्य का क्या हो गया, असत्य, सत्य का असत्य, अच्छा बुरा, अच्छा का क्या हो गया, बुरा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हानि लाभ, उपकार अपकार, यश अपयश, सच झूठ, बैठना उठना, गुण दोष, मित्र शत्रु, कोमल कठोर। तो ये कुछ शब्द हैं और उनके विलोम शब्द भी दिए हैं, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक ना। आगे देखते हैं, अब क्या करना है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। अब आप खुद से उल्टे अर्थ वाले ये जो शब्द दिए गए हैं उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है, ठीक है। शुरू करते हैं, पहला क्या है, सुंदर, सुंदर यानी क्रूप, ठीक है। फिर है निकट, दूर, खुशबू, बदबू, अंधकार, उजाला, अंधकार उजाला, उदय, सूर्य क्या होता है, सुबह में उदय होता है और शाम को क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो उदय यानी निकलना, अस्त यानी छिप जाना। भारी, भारी का क्या हो जाएगा, हल्का, भारी हल्का। प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश, तो प्रसन्न का दुखी। ज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी। सुंदर, कुरूप, निकट, दूर, खुशबू, बदबू, अंधकार, उजाला, उदय, अस्त, भारी हल्का, प्रसन्न दुखी, ज्ञानी और अज्ञानी, ये हो गए। मोटे छपे शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें, ठीक है। इसमें वाक्य पूरा करना है, सूरज दिन में क्या करता है, दिखाई देता है, मगर डैश में नहीं। सूरज कब दिखाई देता है, दिन में, और कब नहीं दिखाई देता है, सूरज कब दिखाई देता है, दिन में, और कब नहीं दिखाई देता है, कब नहीं दिखाई देता है सूरज हमें, रात में। तो सूरज दिन में दिखाई देता है मगर रात
में नहीं, है ना। फिर क्या है, मीठा आम सभी को अच्छा लगता है। कैसा आम भाई? तो मीठा आम सबको अच्छा लगता है, मगर डैश करेला किसी को नहीं। आम क्या है? मीठा। तो मीठा का उल्टा क्या हो जाएगा? कड़वा। मीठा का उल्टा क्या हो जाएगा? कड़वा। कड़वा, मीठा आम सभी को अच्छा लगता है, मगर कड़वा करेला किसी को नहीं। कड़वा करेला, करेला खाना बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं, है ना। लेकिन आम तो सबको अच्छा लगता है ना। क्यों भाई? क्योंकि वो तो मीठा होता है। लेकिन करेला तो कड़वा होता है, लेकिन आप सबके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। करेला खाने से क्या होता है? करेला खाने से हमारे लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक ना। हमें कितनी सारी बीमारियों से बचाता है करेला। तो करेला भी थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कीजिए, फिर अच्छा लगने लगेगा। गौ में है सुंदर अथवा डैश होना ईश्वर के हाथ में है। क्या? सुंदर अथवा कुरूप। अब हम कैसे हैं? ये तो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान जी जैसा बना के दे देते हैं। भगवान जी यानी ईश्वर, ये तो ईश्वर के हाथों में है। हाँ, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा दूसरों के साथ में व्यवहार कैसा है, ये हम पर निर्भर करता है, ठीक ना। यानी कि आप अपने क्लास में अपने टीचर के साथ में कितने अच्छे से रहते हैं, आपको टीचर कितना पसंद करते हैं। कैसे पसंद करेंगे? जब आप अपने पूरा काम अच्छे तरह से करके लाओगे, क्लास में डिसिप्लिन से रहोगे, सभी बच्चों के साथ में अच्छे से व्यवहार करोगे, तो टीचर पसंद करेंगे, है ना। और वहीं जो बच्चे होमवर्क नहीं करके लाते, कॉपी नहीं लाते, किताब नहीं लाते, क्लास में दोस्तों के साथ में झगड़ा करते हैं, क्लास में हल्ला करते हैं, तो टीचर उन्हें पसंद नहीं करते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए हमें अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में है स्वभाव से। लेकिन हमारी जो बनावट है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम सुंदर बन जाएं, हम गोरे हों, हमें सभी अच्छा बोले, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो भगवान जी जिसको जैसा बना के भेज देते हैं, ठीक ना। इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। जो जैसा है वो ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने सबको बनाया है, इसलिए हमें खुश रहना चाहिए हम जैसे हैं। लेकिन हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगला है कर्ण दानी था, ठीक है, किंतु दुर्योधन दानी का क्या हो जाएगा? कंजूस। कंजूस। घर के अंदर डैश मत घूमो। अंदर, अंदर के साथ में क्या हो जाएगा? अंदर के साथ में बाहर। अंदर के साथ में बाहर। अंदर के साथ में बाहर। मीठा का कड़वा, दिन का रात, ठीक है। घर के अंदर बाहर मत घूमो, एक जगह बैठो। तो ये हो गया वाक्य, हमारे जो थे वो पूरे हो गए। अब क्या है? पढ़ो और याद करो। फिर से आ गए कुछ उल्टे शब्द जो दिए हुए हैं, शब्द और उसके उल्टे शब्द दोनों दिए हुए हैं। सिर्फ हमने पढ़ना है और उसको याद करना है, ठीक है। तो मैं पढ़ती हूँ, पीछे से आप भी पढ़ो। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, क्या ये दिशाएं हैं? चार दिशाएं होती है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अंदर, आदर, अनादर, मान, अपमान, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, पवित्र, अपवित्र, हित, अहित, स्वतंत्र, परतंत्र, लाभ, हानि, ठीक है। स्वतंत्र यानी आजाद, परतंत्र यानी गुलाम, आजाद, गुलाम, ठीक है। अब क्या है? जय, पराजय, गहरा, उथला, चौरा, संकरा, चतुर, मूर्ख, पढ़ा लिखा, अनपढ़, ठीक है। आपको कैसा बनना है?
पढ़ा लिखा, कैसा बनना है? पढ़ा लिखा। असली नकली, प्रेम घृणा, बुराई भलाई, जीवन मरण, मित्र शत्रु। ठीक है, जैसे कि जीवन मरण है, जीवन मरण तो लगा रहता है, इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, किसी की भलाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द और उसके उल्टे अर्थ हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसको अच्छे तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करते जाएंगे। अब क्या है, करो और सीखो। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, यानी यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके विलोम शब्द लिखना है। तो शुरू करते हैं, जैसे ऊपर, ऊपर का क्या हो जाएगा? नीचे, आगे, पीछे, दुखी, सुखी, अच्छा, बुरा, सच, झूठ, गंदा, साफ, दिन, रात, जीत, हार, हल्का, हल्का, गहरा, सूखा, हरा, बड़ा, छोटा और आसमान। आसमान तो क्या हो जाएगा? धरती। आसमान धरती। तो ये हो गए हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द। ऊपर नीचे, आगे पीछे, दुखी सुखी, अच्छा बुरा, सच झूठ, गंदा साफ, दिन रात, जीत हार, हल्का गहरा, सूखा हरा, बड़ा छोटा, आसमान धरती। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुन कर लिखना। अभी क्या है यहाँ पर विलोम शब्द, इस यहाँ पर दिया हुआ है विलोम शब्द और इनको चुनकर, यहाँ जो शब्द है उनके अनुसार चुनकर इन खाली बॉक्सों में, खाली जगह पर लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्या है, गरम। गरम का क्या हो जाएगा? ठंडा। क्या हो जाएगा? ठंडा, ठंडा, गरम, ठंडा। ऊपर का क्या हो जाएगा? नीचे, नीचे। काला, काला का क्या हो जाएगा? काला। दिन, दिन का रात, काला का सफेद, सफेद। दिन रात। साफ, साफ का क्या हो जाएगा? गंदा। साफ, गंदा। अच्छा, अच्छा का क्या हो जाएगा? बुरा। अच्छा, बुरा। मोटा, पतला, ऊंचा, नीचा। मोटा का पतला, ऊंचा नीचा। अमीर, अमीर गरीब, अमीर और अंत में है खुश, खुश का उदास।
गरम, ठंडा, ऊपर, नीचे, काला, सफेद, दिन, रात, साफ, गंदा, अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ऊंचा, नीचा, अमीर, गरीब, खुश, उदास। आगे क्या है? वाक्य में रंगीन शब्दों के सही विलोम शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं हर वाक्य में ये लाल लाल लिखा हुआ है, तो उन शब्दों के उल्टे अर्थ जो है ये यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से चुनकर इन लिखना है खाली जगहों पर और वाक्य को पूरा करना है। तो शुरू करते हैं। क में है नींबू मीठा नहीं है, बल्कि क्या है? नींबू क्या होता है? मीठा होता है? नहीं, क्या होता है? खट्टा। क्या है? खट्टा, खट्टा होता है, ठीक है। फिर है सूरज पूरब में निकलता है, और सूरज पूरब में निकलता है और किधर छिप जाता है? कहाँ छिप जाता है? पूरब में निकलता है तो कहाँ छिपता है? पश्चिम में। पश्चिम में, ठीक है। फिर क्या है? गौ फूलों से डैश आती है, बदबू नहीं। फूलों से क्या आती है? खुशबू। अच्छी अच्छी खुशबू होती है ना फूलों में, तो फूलों से क्या आती है? खुशबू। चांद एक तारे क्या होते हैं? तारे अनेक। तारे अनेक। अगला है हम निडर बनेंगे, डैश नहीं। क्या नहीं बनेंगे भाई? क्या नहीं बनना चाहिए बच्चों को? कायर नहीं। अगला है सबको अपना डैश बनाओ, दुश्मन नहीं। क्या बनाओ? मैम ने क्या बोला था क्लास में? मित्र बनाओ, दोस्त बनाने चाहिए, दुश्मन नहीं। तो सबको अपना मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं। तो इसके साथ में, इन शब्दों के साथ में ये वाक्य पूरे हो गए हैं। नींबू मीठा नहीं बल्कि खट्टा होता है, सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है, फूलों से खुशबू आती है, बदबू नहीं, चांद एक तारे अनेक, हम निडर बनेंगे कायर नहीं, सबको अपना मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं। हर शब्द के सामने तीन शब्द हैं, विलोम शब्द के नीचे रेखांकित करें, ठीक है। बहुत आसान है, देखते हैं। सच्चा, सच्चा का क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा सच्चा का? झूठा। हल्का का क्या हो जाएगा? भारी, खुश, मुलायम। क्या हो जाएगा? हल्का, भारी। सरल, सरल का क्या हो जाएगा? सीधा, आसान, कठिन। क्या होगा? सरल, कठिन। फिर क्या है? शुरू, खत्म। आ गई है शुरू, खत्म। सच्चा, झूठा, हल्का, भारी, सरल, कठिन, शुरू, खत्म। आगे देखते हैं। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर विलोम शब्द चुन के हमें वाक्य को पूरा करना है। पंक्ति में मेरे डैश 5 लोग खड़े थे और पीछे 10 लोग। पीछे, पीछे है ना, तो पीछे क्या क्या हो जाएगा? आगे। क्या हो जाएगा? आगे। पंक्ति में मेरे आगे 5 लोग खड़े थे और पीछे 10 लोग। अगला है आपको इस दवाई से फायदा होगा। क्या होगा? फायदा। क्या होगा? फायदा होगा, डैश नहीं, फायदा होगा नुकसान, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। फिर है रेलगाड़ी कल डैश आई थी, आज जल्दी। क्या है? जल्दी, जल्दी आ रही है। तो जल्दी का क्या हो जाएगा? उल्टा, देर से। कल कब आई थी? देर से। रेलगाड़ी कल देर से आई थी।
आज जल्दी आ रही है। फिर है समीर पहले बहुत डैश था, डैश एकदम अमीर बन गया, अमीर। तो क्या होगा, समीर पहले बहुत गरीब। गरीब था, ठीक है, छोटा एकदम अमीर बन गया, छोटा। समीर पहले बहुत गरीब था, छोटा एकदम अमीर बन गया। तो इन शब्दों के साथ में ये वाक्य आपके पूरे हो गए। फिर क्या है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, उनके साथ में ये उनके विलोम शब्द दिए हैं, बस चुन के उनके जगह पर लिख देना है। तो पहला क्या है, प्रकाश। प्रकाश का क्या हो जाएगा, अंधकार। अंधकार, ठीक है। आशा, निराशा। मान, मान अपमान, अपमान। आदर, आदर अनादर। अनादर। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतघ्न। कृतघ्न। फिर है प्रश्न, प्रसन्न, अप्रसन्न। गया प्रकाश, अंधकार, निराश, आशा, निराशा, मान, अपमान, आदर, अनादर, कृतज्ञ, कृतघ्न, प्रसन्न, अप्रसन्न। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाएं। क्या करना है, अभी यहाँ पर इधर शब्द दिया हुआ है, इधर तीन शब्द दिए हुए हैं, जो शब्द सही है उनको गोल कर देना है। शुरू करते हैं जल। जल का क्या होता है, उल्टा, पवन, थल और गगन। तो जल का क्या होगा, जल और थल, क्या हो जाएगा, जल थल। जीवन, जीवन का क्या होगा, मरण, संघर्ष, वायु। जीवन, मरण। आदि, आरंभ, अंत, शुरू। आदि, आदि का क्या होगा, आदि का अंत, आदि का अंत। फूल, सूल, कोमल, कांटा, तो फूल का कांटा। अपराधी, अपराधी, निरपराधी, विद्वान, दोषी, निरअपराधी। वृद्ध, बूढ़ा, जवान, बालिका, तो वृद्ध मतलब बूढ़ा ही होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, जवान। देव, सुर, बलवान, दानव, तो देव का क्या हो जाएगा, दानव। तो ये हो गए आपके उल्टे अर्थ वाले शब्द, जल, थल, जीवन, मरण, आदि, अंत, फूल, कांटा, अपराधी, निरपराधी, वृद्ध, जवान, देव, दानव। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द, अब यहां पर खुद से लिखना है, कोई मदद नहीं है, खुद से लिखना है। गहरा, गहरा का क्या हो जाएगा, उथला, गहरा, उथला। चौड़ा, पतला। हित, अहित। धर्म, अधर। लाभ, हानि। स्वतंत्र, पर तंत्र।
ठीक है, स्वतंत्र परतंत्र, गहरा उतला चौड़ा पतला, हित अहित, धर्म अधर्म, लाभ हानि, स्वतंत्र परतंत्र। वाक्य पूरे करना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, कोई मदद नहीं है, सिर्फ ध्यान से पढ़िए और उसको पूरा कीजिए। क्या है, भारत के उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, ठीक है, और डैश में हिंद महासागर। उत्तर, उत्तर का क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था ना दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो भारत के उत्तर में हिमालय है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। ख में सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है और डैश में अस्त होता है, पूर्व दिशा तो क्या हो जाएगा, पश्चिम, पश्चिम में अस्त होता है। शहर, शहरों में सड़कें चौड़ी होती है और गांवों में क्या होती है, क्या होती है, पतली संकड़ी, चौड़ी का हम यहाँ पर संकड़ी लिख सकते हैं, संकड़ी होती है यानी पतली होती है, पतली या संकड़ी हम लिख सकते हैं। घ है, चतुर बच्चे समय पर पढ़ाई करते हैं, डैश बच्चे समय बर्बाद करते हैं, चतुर बच्चे क्या है, चतुर, चतुर का उल्टा क्या हो जाएगा, चतुर का मूर्ख, चतुर का, चतुर बच्चे समय पढ़ाई, समय पर पढ़ाई करते हैं और मूर्ख बच्चे समय बर्बाद करते हैं, मूर्ख बच्चे समय बर्बाद करते हैं। एक बार पढ़ते हैं, भारत के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर, सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त, शहरों में सड़कें चौड़ी होती हैं और गांवों में संकड़ी होती है, चतुर बच्चे समय समय पर पढ़ाई करते हैं, मूर्ख बच्चे समय बर्बाद करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को विलोम शब्द के साथ मिलान करना है, विलोम शब्द के साथ में मिलान करना है, बिल्कुल आसान है, बहुत सारे विलोम शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे शब्द याद हो गए हैं और उनके विलोम भी याद हो गए हैं, तो हम इसको मिलान कर लेते हैं। जैसे पहला क्या है, सर्दी, तो सर्दी का क्या हो जाएगा, गर्मी, छाया, छाया उजाला, दिन रात, छाया का धूप, छाया का धूप, दिन रात, धरती आसमान, खुशबू बदबू, सफल असफल, गुरु शिष्य, अंधेरा उजाला, गुण दोष और एक अनेक। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सर्दी का, गर्मी, छाया, धूप, दिन रात, धरती आसमान, खुशबू बदबू, सफल असफल, गुरु शिष्य, अंधेरा उजाला, गुण दोष एक अनेक। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया और ये अंतिम पेज के साथ में हमारा ये पाठ भी पूरा हो गया। ठीक ना, इसमें हमने बहुत सारे विलोम शब्द किए, वाक्य के शब्दों को देखकर ध्यान में रख के उसके विलोम शब्द किए, ठीक है, शब्द के विलोम शब्द किए, मिलान किए, इतना ज्यादा शब्द हम लोगों ने इसमें देखा, मिलान करके उसका अभ्यास किए, तो हमारे पास अभी बहुत सारे विलोम शब्दों का ज्ञान हो गया है इस वीडियो की सहायता से। और जितना इस वीडियो को देखिएगा आपके लिए ये विलोम शब्द हैं जो बहुत ही आसान होते जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द मैंने करवाए हैं, तो
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।